नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यू आर गॉड। देखिए, ये वाला जो वीडियो है ना, वो कल के अवतार और मूवीज सीरीज का वीडियो है। तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरे पहले के जो वीडियोज हैं वो देखे हुए होना जरूरी है, ठीक है। देखिए, इस फिल्म में एक दृश्य है, उस दृश्य में राजकुमारी जो है ना, वो एक मशाल से बाहुबली पर वार करती है और उसके जो कपड़े हैं ना, वो पूरे के पूरे जल जाते हैं और जो वास्तविक उसका पोशाक होती है वो सामने आ जाती है, जो पहचान होती है वो सामने आ जाती है, ठीक है। और ये बड़ा ही शानदार दृश्य बना है बाहुबली 2 में। और अब याद कीजिए मेरा वो अनुभव कल के अवतार और लंका दहन वाला, उसमें मैंने आपसे यही तो कहा था कि भक्त जैसे आग सी उठी पीले रंग की और मुझे लगा कि है ना, जो मैं बता चुका हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो मेरी इस अनुभूति पर आधारित था ये दृश्य। और उसके बाद इसमें एक ऐसा दृश्य है जिसमें जो बेल होते हैं, बहुत सारे बेल होते हैं, उन बेल के जो सींग होते हैं, उन सींग पर कोई कपड़ा वगैरह बांध करके और उसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ लगा करके और आग लगा दी जाती है दुश्मन की सेना को चौंकाने के लिए। और बहुत ही शानदार दृश्य है। और इस दृश्य में क्या है कि एकदम से उन जो बेल हैं, उन बेल में से एक बेल आकर के और हमला करता है, तो बाहुबली उसको केवल ना हाथ से पकड़ के उसका सींग और हल्की सी दिशा दे देता है, ठीक है। तो देखिए, मेरी लाइफ में ऐसा 2 बार हुआ और मैं कोई बाहुबली तो हूं नहीं। तो देखिए क्या हुआ, जब मैं एक बार खड़ा हुआ था घर, मतलब हमारे गांव की बात है, बचपन में हमारी जो गाय थी, और तो उस गाय ने अचानक से मेरे ऊपर हमला किया और आश्चर्यजनक रूप से मैं बच गया। मतलब मेरा ध्यान कहीं और था और उसने एकदम से हमला कर दिया, पर मैं बच गया बिल्कुल टच करके, उसके सींग निकल गए। इसी प्रकार से फिर यहाँ पर हमारे जो यहाँ पे शहर में जब मैं आया, यहाँ पर अभी कुछ सालों पहले की बात है, मैं फोन पे अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था, तो अचानक से पीछे से गाय आई और उस गाय ने ऐसी टक्कर मारी मेरे कि आगे गिरते गिरते बचा मैं, चोट नहीं लगी। तो और वहां पर जो लोग थे वो देख के हंसने लग गए मुझे, मेरी जो सिचुएशन थी उसे। और बिल्कुल उसी तरीके का ये दृश्य है। और क्योंकि ये एक काव्य, एक विधा होती है, उसमें क्या होता है कि कोई भी जो बात होती है ना, उसको बड़ा चढ़ा करके कहा जाता है काव्यात्मक रूप में, ठीक है ना। और फिल्में भी इसी रूप में बनती हैं, आप तो जानते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं इंग्लिश में इसको, बड़ा चढ़ा करके किसी भी बात को बताना, क्योंकि जितने भी एक्शन सीन होते हैं ना, वो सारे एक्सेलरेशन के द्वारा ही बनाए जाते हैं और कल्पना शक्ति का काम है ये राइटर और डायरेक्टर्स की। इससे क्या होता है कि दृश्य जो होते हैं ना, वो बहुत ही भव्य बन जाते हैं। अच्छा, इस फिल्म में एक और दृश्य है, उस दृश्य में क्या है कि एक साथ वो कई तीर चलाता है, एक धनुष से कई तीर चलाता है वो। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था कि मैंने बताया था आपको, वो 28 नवंबर को जो मेरी एनिवर्सरी थी, तो मैं अपनी वाइफ के साथ, मेरी वाइफ के साथ जो है वो गया था, और मेरा परिवार था, मतलब मेरा बच्चा भी साथ में था, हम लोग गए थे म्यूजियम में। अब म्यूजियम में हमको आर्टिलरी जो होती है ना, उनकी पुराने जमाने की, वो दिखाई गई और वहाँ पे हर तरह का सब कुछ था, तोपें भी थी और तरह तरह की, पृथ्वीराज चौहान की तलवार भी थी, महाराणा प्रताप के हथियार भी थे और भी राजा महाराजाओं के तरह तरह के तीर, पुराने जमाने के जो धनुष होते थे वो तीर थे, वो सब रखे हुए थे, टोटल भाले वगैरह सारी के सारा हथियार रखे हुए थे। और उन गलियारों में जो मैं घूम रहा था, बिल्कुल उसी तरीके का ये दृश्य है। और अब इससे जुड़ा हुआ मेरे बचपन का अनुभव मैं बताता हूँ आपको। देखिए, बचपन में क्या है, ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको धनुष चलाने का शौक हो, और मुझको ये बहुत बहुत शौक था। क्या होता था कि मैं थर्माकोल का एक गोड़ होता था ना, उसको सामने लगा देता था और धनुष बनाता था, तरह तरह के जो बांस होता है ना, बांस से धनुष बनाता था और सरकंडे से तीर बनाता था। सरकंडा होता है हमारे गांव में, सण कहते हैं उसको, जिससे ये शक्कर की बोरियां बनती हैं, जितनी भी शक्कर पैक होती है ना, वो बोरियों में पैक होती है, और वो बोरियां जो होती हैं उसी से बनती हैं। उसमें क्या है, वो लंबे लंबे डंठल होते हैं, उनके ऊपर रेशा होता है, उस रेशे को अलग कर लिया जाता है और उससे तो वो बोरियां बन जाती हैं, पर जो अंदर का जो वो डंठल बसता है, वो डंठल क्या होता था कि उससे छज्जे बनाए जाते थे कच्चे मकानों के। अब मैं उसी में से निकाल निकाल करके ले आता था, जहां भी लगे होते थे देख लेता था, यहां लग रहे हैं वहीं से निकाल के ले आता था, और उनके तीर बनाता था और निशाना लगाता था। ये मेरा मतलब बचपन का शौक था। तो मेरे जो ताऊ जी ना, वो राम का रोल करते थे रामलीला में, तो उनके पास में वो धनुष था ना, उस पर बड़ी नजर थी मेरी। मैंने कहा ये धनुष अगर मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो, बहुत शानदार धनुष था उनके पास में, मुझे वो मिलता नहीं था कभी, तो मैं खुद ही बनाता था अपने धनुष और उनसे निशानेबाजी की प्रैक्टिस करता था बचपन में।
कई सालों तक। तो ये सारा का सारा जो दृश्य है ना, तो मेरी बचपन की उस अनुभूति पर आधारित है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।